एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय, सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। असम में कितना सफल रहा पहला? असम में देखिए, असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 14 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूं कि हमको और एक बार करने दीजिए, सीमान में हमको और 20% सैंपल चेक करने दीजिए। पहला शरण में ही हमने 14 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं तब वो संख्या और बढ़ेगा। अभी तक जो संख्या हुआ है पहला शरण का एनआरसी से, ये लगभग 14 लाख और 15 लाख का बीच में है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सर इसमें, जैसे आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग यहाँ पर हैं, आदिवासी संख्या घट रही है, तो जो बांग्लादेशी हैं जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कैसे रोकेंगे? देखिए, वोटर लिस्ट में कब से है आप? वोटर लिस्ट में 2026 में है, 2021 में है, उसका पहले आपका नाम कहाँ था? अगर आप भारत का नागरिक है, आपका उम्र 40 साल है, 2026 में आपका नाम झारखंड में है, 2021 में आपका नाम झारखंड में है, इसका पहले नाम कहाँ थे? वही पूरा खेल है। हम लोग 2001 से वोटर लिस्ट का जांच करूंगा, भाई ये बंदा का यहाँ नाम नहीं था, से में नाम है, से में नहीं था सोधा में है, सोधा में नहीं था 21 में है, पहले आप कहाँ था? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूफ करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहाँ थे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है, इसमें किसी का कष्ट नहीं होते हैं। और जैसे जो भी नया लोग वोटर लिस्ट में आया है, खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा, जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। किसलिए? उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है, तो उनको जांच नहीं होता है। किसका जांच होता है? जिसका नाम पहला बार, 18 साल में भी जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जांच नहीं होता है। किसलिए? उनका पिता माता का नाम होगा। लेकिन जो परिवार का नाम पहला बार आया है, जैसे आप पाकोर में जाए, बहुत सारा परिवार का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं और उनका उम्र 18 नहीं है, उनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहाँ थे। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। और आप इतना मुझको बताइए, मैंने वो दिन पाकुड़ में गया था, पहले वहां में हिंदू विधायक होते थे, अभी हिंदू लोग कॉन्टेस्ट भी करने के लिए डरता है, आदिवासी लोग भी कॉन्टेस्ट नहीं करता है, पूछने से बोलते हैं नहीं नहीं संख्या परिवर्तन हो गया। भाई कैसे परिवर्तन हो गया? ये तो कोई तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हाईकोर्ट जेएमएम सरकार को पूछ रहा है, जेएमएम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है। इसका कारण सबसे ज्यादा सटीक किसका हो रहा है? आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। तो इसीलिए जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।